Hello students, in this video we will be solving question 1 of NCERT, that is chapter electric city. Exercise ka pehla sawal hai. Sawal keh raha hai ki mere paas ek wire hai, uski length L hai aur uska resistance R hai. Fir is wire ko 5 equal part mein apan cut kar dete hain. Simple si baat dhyan rakhna, agar 5 equal part mein cut kar denge तो अगर इनिशियल वायर की लेंथ L है तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी L बाई 5 और फिर उन पांचों पार्ट को पैरल में जोड़ दिया. उन पांचों पार्ट को मैंने पैरल में जोड़ दिया. देखो यहाँ पे सपोज ये एक लंबी सी वायर है, इसको मैंने पांच इक्वल पार्ट में कट कर दिया. एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच और मैंने इनको जोड़ दिया पैरेलल में. ठीक, तो अगर हर पार्ट की लेंथ L थी तो अब हर पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी L बाई 5. सॉरी, पूरे वायर की अगर लेंथ L है तो अब हर पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी L बाई 5. आपको पता है R इज प्रोपोर्शनल टू L, पता है ये चीज़ है ना. जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा. क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं. तो अगर लेंथ 1/5 हो गई तो रेजिस्टेंस में भी वही चेंज आएगा, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5 और आर बाई 5. ठीक, अब कह रहा है कि इसका आप पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और बुक में दिया है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आर डैश. अब देखो, अगर सभी रेजिस्टेंस इक्वल हो और सभी पैरेलल में हो तब नेट रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. यहां पे वन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर बाय 5, ठीक, और कितने रेजिस्टेंस हैं 5. तो आपका नेट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन कितना आ गया R by 25. अब आपको क्वेश्चन में बोला रेशियो निकालो इनिशियल रेजिस्टेंस टू द न्यू रेजिस्टेंस. तो ये तो R हो जाएगा और ये हो गया R by 25. 25 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और R कैंसिल, तो ये हो गया 25/1. सो दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ यू कैन डू. अब ये क्वेश्चन आएगा तो MCQ में आएगा और बहुत ईजी है सॉल्व करना, आपसे बन जाएगा. ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.